बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो रहमान है, रहीम है, करीम है, अव्वल है, आखिर है, बेशक। सबसे पहले दुरूद सलाम अस्सलातु वस्सलाम अलैके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन का आगाज़ हो चुका जी, पीर का आज जो है वो दिन है। और सबसे पहले आगाज़ हुआ है स्कूल से, बच्चों के स्कूल आए हैं, वहाँ पे कुछ मुलाकात करनी थी टीचर से, तो मुलाकात करते हैं पहले टीचर के साथ, उसके बाद बेगम को वापस घर छोड़ेंगे। उसके बाद मैंने जाना है डॉक्टर पे, क्योंकि डॉक्टर मेरा पाँव पूरी तरह ठीक नहीं हो पा रहा, तो वो उसको आज दोबारा दिखाना है। उसके बाद फिर दफ्तर जाना है, और इसके बीच में सब कुछ क्या क्या होगा वो भी आपको साथ साथ दिखाते चले जाएंगे। तो आ जाइए हमारे साथ, दिन शुरू करें। छोटे बच्चों को छुट्टी हो गई है, स्कूल की अपनी लाइफ है, स्कूल की लाइफ का अपना ही मज़ा है। लें जी, घर वापस आ गए हैं, और आके जो है ना वो जोहर का टाइम हो गया, पहले नमाज़ पढ़ेंगे और फिर दोबारा अगले टूर पे चलेंगे। तो पहले नमाज़ पढ़ते हैं, आप भी पढ़ लें। लें जी, घर पहुँचे, अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब मैं ज़रा एडिटिंग कर रहा हूँ व्लॉग के लिए, क्योंकि कल जो व्लॉग संडे का हमने बनाया था वो अभी तक अपलोड नहीं किया, क्योंकि थंबनेल नहीं था मेरे पास। थंबनेल मैंने डिज़ाइन कर लिया और अब मैं अपलोड करने लगा हूँ। देखना और सब्सक्राइब भी करना है लाजमी। निकल पड़ा हूँ जी डॉक्टर की तरफ। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सफ़र की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, और अब मैं जा रहा हूँ सीधा जोहर टाउन डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, उसको दिखाते हैं, पाई ये मेरे पैर नो सीधा कर, मैं अभी भी बैठ के नमाज़ पढ़ रहा हूँ कुर्सी पे, मुझसे बैठ के सजदा नहीं होता, पाँव पूरी तरह ऐसे नहीं मुड़ता। तो उसको दिखाते हैं और फिर उसके बाद आगे दफ्तर जाएँगे इंशाल्लाह। गर्मी पड़ रही है जी, बड़ी कमाल की गर्मी पड़ रही है। एसी वैसी ऑन कर ली है, और जो है ना गर्मी ने अब दिखा दी है। जी मैं आ गई हूँ, बड़े तुसी मौजां मार लिया ने सर्दी दी, आ जाओ पसीने कड़न से तैयार हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहुँच गया हूँ मैं डॉक्टर पे, और जो है ना अभी डॉक्टर खुला ही नहीं है, मतलब के उसका क्लिनिक नहीं खुला अभी, तो अभी वेटिंग में हूँ मैं बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम शाम हो गया हमारा डॉक्टर से ख़त्म, अब मैं जा रहा हूँ दफ्तर की तरफ। आज जल्दी जान छुट गई है, क्योंकि जो था ना रश तो है काफ़ी था, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो मेरी जो है ना पहले से प्रिस्क्रिप्शन बनी हुई थी, वो प्रिस्क्रिप्शन पहले की बनी हो ना तो फिर सहूलत हो जाती है कि बस डेट डलवाओ और फारिग हो जाओ दवाई लेके। तो इंशाल्लाह अब मैं पहुँचता हूँ दफ्तर। क्या खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह, चेक करें, एक तरफ से बादल सूरज की रोशनी से कैसे चमक रहे हैं। पहुंच चुका हूं जी मैं दफ्तर वाली साइड पे, इंशाल्लाह दफ्तर जा रहा हूं मैं, वहां काम शाम करते हैं फटाफट, और फिर छुट्टी करते हैं और फिर वापसी की तरफ चलेंगे, और घर जाके फिर देखेंगे क्या शुगल मिला है। छुट्टी हो गई जी, छुट्टी 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 हो गई, गाड़ी की तरफ जा रहा हूं, ज़रा काम था यहां पे मार्केट में, तो थोड़ा मार्केट से होके फिर गाड़ी की तरफ जाऊँगा। निकल आए हैं रास्ते में जो है ना, कुछ बेकरी लेनी है, कुछ सामान लेना है, कुछ दूध वगैरह उठाना है, तो रास्ते में रुकने लगा हूँ मैं, और सामान वगैरह ले कर ना फिर आगे चलते हैं। माशाल्लाह क्या कमाल किस्म की हवा है जी, दिन के टाइम हमें मैनुअल एसी चलाने पड़ते हैं गाड़ियों के, और रात के टाइम अल्लाह पाक अपने एसी चलाते हैं, जो सबसे कमाल है, सबसे रिफ्रेशिंग एसी है, बेहतरीन हवा चल रही है। पेट्रोल के लिए आ गए हैं जी, अपना पेट भरना है तो गाड़ी का पेट भी तो भरना है, पेट्रोल डलवाएंगे फिर आगे जाएंगे। आज आते आते जी बड़ी लेट हो गई, और खाना खा खा के अब जो है ना 12 बज गए हैं, 12:15 हो गए हैं। मैंने अभी तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी है, मैं पहले सबसे नमाज़ पढ़ता हूँ, और बच्चे भी जो है ना वो पता नहीं आते ही कहाँ गायब हो गए हैं, आए थे मिले थे फिर गायब हो गए हैं, तो देखते हैं कि बच्चे कहाँ हैं, लेकिन पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ। जी हम आए अपनी आंटी के होम, हम आए अपने आप, वली साहब भी मेरे साथ आया है, और हमजा भी है, हमजा साहब वो देखें, वो अंदर हमजा साहब है, और ये देखें वली साहब, वली साहब वली देखो। तो अभी यहाँ कोई सीन है कुछ भी नहीं है, वैसे अभी कोल्ड कॉफी बनाने लगे हैं, तो आपको दिखाएंगे कैसे बनती है, पी के भी चेक करवाएंगे क्या टेस्ट आ रहा है। ये देखें जी कॉफी का सामान आ चुका है, और ये हमजा साहब भी आ चुके हैं, और अब हम बनाने लगे कोल्ड कॉफी, ऊपर वाले पोर्शन में आ गए। कप्स देखें कितने छोटे छोटे कप्स हैं, क्या बात, खुद वो इसमें पियेंगे और हमें ये, क्या बात।
बहुत ही खूबसूरत प्यारी हवा है जी, तो मैं थोड़ी सी जो है ना बाहर हवा खाने आया हूँ, और इसके साथ साथ मेरा एक पार्सल आ रहा है, मेरे काम के हवाले से एक पार्सल आना है, वो रिसीव करना है, तो वो बाइकिया वाला भी पहुँच रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर चहलकदमी करूँगा और उसका इंतज़ार करूँगा। ये देखें माशाल्लाह से, देखें आप कैसे ज़बरदस्त हवा चल रही है, ये पत्तों से पता चल रहा है, और हवा में ठंडक भी है माशाल्लाह। लें जी, हुआ चाहता है आइसक्रीम टाइम, आइसक्रीम इंजॉय करेंगे और फिर सोने की तैयारी करेंगे। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी आप? आंटी के घर से। आंटी के घर से, क्या हो रहा था वहाँ पे? वो तो मैंने व्लॉग में देख लिया है। तुमने खेला, गाने सुने। लेकिन व्लॉग में तुम नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ थे, ये बताओ पहले। मैंने पापा खेला और फिर मैंने गाने सुने। गाने सुन तोबा करो, तोबा करो। अच्छा, कूल कॉफी। यार शर्म नहीं आई? मतलब बाप घर में बैठा हुआ है कि कोई मीठा खा लिया, मैंने भी आइसक्रीम, लेकिन चलो कोल्ड कॉफी आ जाती तो अच्छी बात थी, कोई शर्म नहीं आई तुम्हें? आइंदा मैं जाऊंगा ना तो तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। नहीं, लेके जाएंगे। ये क्या पकड़ा हुआ? पिस्की। पिस्की, दिस इज कॉल्ड पिस्की। ये लो जी। तब क्या इरादा जी सुबह जाने का? कोई पढ़ाई शढ़ाई करनी है कि नहीं? नहीं। ये देखें जी, अंदाजा लगाए मुंह पे कह रहे हैं नहीं। आप कमेंट्स में बताएं मैं जाऊं या ना जाऊं। हाँ, कमेंट्स में बताएं जाएं, और कमेंट्स में बताएं कि रोज जाना है, हर रोज जाना है। पूरे हफ्ते में सिर्फ सारे दिन छुट्टी सिवाय सैटरडे को। हाँ, पूरे हफ्ते में सारा दिन छुट्टी, सारा हफ्ता सिर्फ सैटरडे को जाना। ये इनके हाथों में पढ़ाई आ जाए ना तो फिर पढ़ चुके आप पाकिस्तान, ठीक है? तो अब ये होने लगी है सोने की तैयारी, टाइम हो रहा है इस वक्त रात के 1:45, और 1:45 बजे ये बच्चे अगर जाग रहे हैं तो आप समझ जाएं कि इनकी नीयत ख़राब है सुबह, ठीक है? सुबह कोई ईरानी सदर आ रहा है यहाँ पे, तो हमें भी, हमारा भी इलाका बंद है, वहाँ पे छुट्टी उट्टी वाला सीन है, पक्की बात सुबह पता चलेगी, तो हम भी थोड़े से ईजी हैं इस टाइम, लेकिन ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ईजी हैं, इनका कोई ईरानी सदर से लेना देना नहीं है, तो जो है ना अब सुबह क्या बनता है कुछ पता नहीं है। तो इसी बात के साथ हमें दें इजाज़त, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में बताएं कि इसको कितना स्कूल जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, ठीक है? जाना चाहिए, इसके ऊपर कमेंट करना है कि इनको गलत आदतें ना डलें, ठीक है? और हमें दें इजाज़त, अब मिलेंगे आपसे अपने अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।